नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं फोर्थ ठीक है फोर्थ एग्जांपल ले लिया से मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स तो आंसर ये ठीक है मॉड एक्स इज नॉन डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये ठीक है क्योंकि ऐसे ग्राफ बनता है मॉड का ये वाई एक्सेस हो गया तो ऑरिजिन पे डिफेंशिएबल नहीं हुआ क्योंकि कॉर्नर आ गया ये ठीक है कॉस एक्सेस इज डिफेंशिएबल ठीक है सो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर एक्स जीरो के बराबर नहीं है तब तो क्या होगा मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स में ये भी डिफरेंशियबल है और ये भी डिफरेंशियबल है तो ये पूरा क्या हो जाएगा डिफ्रेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल क्या हो जाएगा डिफ्रेंशियबल ये ठीक है इसका मतलब है देन फंक्शन विल बी डिफ्रेंशियबल डिफ्रेंशियबल ये तो फर्स्ट केस हो गया दूसरे केस में एंड इफ एक्स इज टू जीरो ठीक है तब क्या होगा कि मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स में ये तो नॉन डिफ्रेंशिबल है और ये डिफ्रेंशियबल है नॉन डिफेंशिबल के जो चारों चार कॉम्बिनेशन चार आते हैं नॉन डिफेंशिबल प्लस डिफ्रेंशियबल या नॉन डिफेंशिबल इनटू डिफ्रेंशियबल या नॉन डिफेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफेंशबल या नॉन डिफरेंशियबल है इन टू डिफरेंशियबल इन सारे केसेस में नॉन डिफरेंशियबल प्लस माइनस डिफरेंशियबल वाला जो चीज़ है केवल हम उसी में डायरेक्टली बता पाते हैं कि ये नॉन डिफ्रेंशियबल होगा ये ठीक है बाकी के केसेस में तो हमें चेक करके देखना पड़ता है तो अगर ये प्लस है या बीच में माइनस होता तो, तो हम डायरेक्टली बता सकते थे जैसे यहाँ पे बता दिया ये ठीक है देन फंक्शन इज नॉन डिफ्रेंशियबल एट एक्स इक्व टू जीरो ये ठीक है ये तो दो केस हो गया हमारा कि मान लिया केस वन इफ ये हो गया केस टू ये तो फाइनल आंसर क्या होगा ये ठीक है हैंस फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल एवरी ये ठीक है एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वस टू जीरो आंसर होगा ठीक है एक्स इज इक्वस टू जीरो को छोड़ के बाकी सब जगह डिफेंशिएबल है दिस इज फोर्थ पार्ट ठीक है फिफ्थ पार्ट ले लिया फिफ्थ पार्ट में मान लिया हमने ले लिया मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस सिग्नम एक्स ये ठीक है आंसर अब तुम इसको ऐसे देखो मॉड एक्स माइनस थ्री का ग्राफ कैसे होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से वो तो ऐसे हो जाएगा ये ठीक है तीन पे शिफ्ट हो जाएगा जीरो एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस हो गया सिग्नमैक्स का ग्राफ पता ही है तो जो मॉड एक्स माइनस थ्री है दिस विल बी नॉन डिफ्रेंशियबल एट एक्सेज इक्व टू थ्री एंड दिस विल बी नॉन डिफ्रेंशियबल क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूस है ये ठीक है मॉड एक्स माइनस कहीं डिस्कॉन्टिन्यूस नहीं है ये जो वी बन रहा है इसमें हमें दिखाई दे रहा है केवल तीन पे ही क्या आ रहा है शार्प कॉर्नर आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है बस तीन पे नॉन डिफेंशिबल है ये ठीक है और बाकी सब जगह डिफेंशबल है सिग्नोमैक्स जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस है जीरो पे तो नॉन डिफेंशबल अपने आप हो गया तो नॉन डिफेंशबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब तुम ये बताओ कि अगर हमने बोला एट एक्सेज इक्व टू थ्री तब तो ये हो गया नॉन डिफेंशियबल प्लस डिफेंशबल क्योंकि दूसरे को तो तीन पे कोई दिक्कत नहीं तो नॉन डिफेंशिबल अगर हम बोलें एट एक्सेज इक्व टू जीरो तो अब ये पहले वाला डिफेंशियबल हो गया दूसरा वाला नॉन डिफेंशबल हो गया तो भी नॉन डिफेंशबल और अगर हम बोलें कि एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और थ्री जीरो और थ्री को छोड़ कर और कुछ भी ले लिया तो ये भी डिफेंशियबल ये भी डिफेंशियबल तो पूरा डिफेंशबल हो गया तो बस ये समरी हो गया हेंस फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल ये ठीक है फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री जीरो एंड थ्री को छोड़ के बाकी सब जगह डिफरेंशियबल है जीरो एंड थ्री पे क्या है नॉन डिफ्रेंशियबल ठीक है दिस वॉज फिफ्थ पार्ट और लिख लिया हमने मान लिया सिक्स पार्ट सिक्स पार्ट में हमने लिख लिया एक्स इनटू साइन एक्स। ठीक है अब आंसर एक्स इंटू साइन एक्स में क्या होगा ये ठीक है ये तो है डिफरेंशियबल इन आर ये क्या हो गया नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्व टू ज़ीरो ठीक है तो अगर जीरो नहीं है ये ठीक है तो केस वन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन मॉड एक्स इन टू साइन एक्स किस टाइप की चीज़ हो गई अगर एक्स जीरो नहीं है तब तो ये भी डिफरेंशियबल हो गया ये भी डिफरेंशियबल हो गया तो इन टू डिफरेंशियबल क्या हो गया डिफेंशिएबल यहां तो कोई दिक्कत नहीं ये ठीक है केस टू इफ एक्स इज इक्वल टू देन मॉड एक्स इंटू साइन एक्स में ये क्या हो गया नॉन डिफ्रेंशिएबल और ये क्या हो गया डिफेंशिएबल साइनेक्स तो हमेशा डिफरेंशिएबल तो जीरो पे भी होगा अच्छा नॉन डिफेंशियबल अगर बीच में प्लस या माइनस होता प्लस या माइनस होता अगर तब तो हम डायरेक्टली आंसर बता सकते थे तब तो ये डायरेक्टली क्या होता है सॉरी नॉन डिफेंशियेबल बट बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन में जैसे इस वाले केस में प्रोडक्ट है हम कुछ नहीं बता सकते ये ठीक है नथिंग कैन बी सेड ये ठीक है इन जनरल बोलते हैं यहाँ पे हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं बता सकते इसका मतलब क्या है कि चेक करो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बता सकते ये हम क्वान्टिटी में डिस्कस कर चुके हैं कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्से जी को तो जीरो पर पता नहीं क्या होगा अगर उसने वो तो जब हमने पहले ये बोला है कि पता नहीं क्या होगा वो तो जब बोला है जब हमें फंक्शंस नहीं गिवन है अगर एक बार हमें फंक्शंस गिवन हो गया ना कि ये है तो ये तो हमें बताना ही पड़ेगा कि नॉन डिफेंशियबल है डिफेंशियेबल है चेक करके बस ये नथिंग कैन बी सेट का मतलब क्या कि जनरली कुछ नहीं बोल सकते इन जनरल कुछ नहीं बोल सकते आंसर जो हो वो होगा वो फंक्शन डिपेंडेंट होगा जिस हिसाब से फंक्शन आएगा उस हिसाब से आंसर डिफरेंशियबल भी आ सकता है नॉन डिफरेंशियबल भी आ सकते ठीक है।, है तो चेक कैसे करेंगे ये ठीक है हम लिख लिया एफ डैश जीरो फर्स्ट प्रिंसिपल से वो तो ऐसा हो जाएगा लिमिट एक्स टर्निंग टूवर्ड्स ए यहाँ पे क्या होता है एफ एक्स माइनस एक्स माइनस अगर ए की बात करें तो ए और यहाँ एफ ए ये होता है ये लिमिट कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है तो यहां पे हो जाएगा लिमिट एक्स स्टार्डिंग टूवर्ड जीरो ठीक है एक्स माइनस जीरो एफ एक्स कितना है मॉड एक्स इंटू साइन एक्स एफ ए क्या है ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है ये ठीक है इसी के अंदर एक्स ए रख दिया क्योंकि यहां तो सिंगल डेफिनेशन है सब कुछ मॉड एक्स इंटू साइन एक्स ही आएगा तो अगर मैंने इसके अंदर जीरो रख दिया तो ये तो हो जाएगा जीरो सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x is स्टैंडिंग towards जीरो मॉड एक्स into साइन एक्स upon एक्स ये ठीक है ये बचा अब अगर एक्स जीरो को जाए तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ये पता है कि ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स है ये वन को जाते हैं, ठीक है और मॉड एक्स कहाँ जाएगा अब चाहे जीरो प्लस की तरफ से ले जाओ चाहे जीरो माइनस की तरफ से ले जाओ मॉड एक्स का वैल्यू तो जीरो को जाएगा उसका मतलब क्या है कि ये कौन सा फॉर्म हो गया इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ या नहीं हुआ जो साइन एक्स अपॉन एक्स है वो तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले से पता है कि वो एक की तरफ जाएगा और जो मॉड एक्स है वो जीरो की तरफ जाएगा तो जीरो इंटू एक का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा जीरो की तरफ तो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है डायरेक्टली हम बता सकते हैं आंसर कितना आएगा ज़ीरो बिकॉज आंसर आ गया ये ठीक है हम एफ एफडे जीरो निकालने चले कैलकुलेट किया और आंसर आ गया तो इससे हमें क्या पता लगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ठीक है दिस इंप्लाइज़ फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल एटेक्स इज इक्व टू जीरो ठीक है ये तो हमें जीरो पे अलग से चेक करना पड़ा और बाकी सब जगह तो पहले से डिफ्रेंशियबल था डोमेन भी इसका आर है मॉडिक्स का डोमेन आर होता है सैनिक्स का डोमेन आर होता है तो मॉडेक्स इंटू सानेक्स का डोमेन क्या हो गया आर तो फंक्शन डिफ्रेंशियबल क्या हो गया हर जगह जैसे ये एग्जाम्पल है कि डिफ्रेंशियेबल है दूसरा नॉन डिफ्रेंशियबल है तो भी प्रोडक्ट डिफरेंशियबल हो गया इसलिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो हम आंसर में क्या लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल इन आर ये ठीक है आर पे सॉरी जीरो पे ही शक था और कहीं तो शक ही नहीं था वहाँ चेक किया वहाँ डिफेंशिबल निकल आया तो बाकी सब जगह तो वैसे डिफेंशिबल होगा था तो इसलिए अब कहाँ डिफेंशिबल हो गया ये आर में ठीक है